अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं अभी नहा धो के फ्रेश हो के आप लोगों के सामने आया हूँ। कड़ी धूप है, आप लोग देख सकते हो, सूरज बिल्कुल आसमान की सेंटर में है, लेकिन मौसम नॉर्मल है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, बर्दाश्त करने की गर्मी है। कड़ी धूप है और दोपहर का टाइम है और ऊपर से जुलाई का महीना है, लेकिन फिर भी यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है। कहीं आप लोग ऐसा ना समझो यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा है स्वात में, वैसे भी मौसम काफ़ी अच्छा है, और ऊपर से मैं इस दरख्त के साए में बैठा हूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा है और हल्की हल्की हवा चल रही है। में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती जितने कि पाकिस्तान के और इलाकों में गर्मी होते है, और स्पेशली गर्मियों के महीने में जून जुलाई अगस्त में, तो स्वात में इतनी गर्मी नहीं होती। स्वात में मौसम अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, और इस दफ़ा भी मौसम काफ़ी नॉर्मल है, और उसकी एक वजह बस यही है कि स्वात में बहुत सारे जंगल है और बहुत सारे दरख्त हैं। यहाँ पर झलक दिखाता चलूँ कि यहाँ पर स्वात में मौसम क्यों अच्छा होता है पाकिस्तान के और इलाकों के निस्बत। तो ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है स्वात में नॉर्मल मौसम का राज। इस वजह से यहाँ पर मौसम नॉर्मल होता है क्योंकि यहाँ पर जंगल वगैरह बहुत सारे हैं, यहाँ पर ट्रीज बहुत सारे हैं। तो इसकी एक बेनिफिट ये है कि एक तो स्वात में मौसम काफ़ी अच्छा होता है, और दूसरा ये पल भी देते हैं, तो दो बेनिफिट है यहाँ पर स्वात में इसके। और ये तो बाग है, लेकिन वहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहाड़ी पर बहुत सारे और कुदरती तौर पर उगते हैं, तो इस वजह से स्वात में मौसम काफ़ी अच्छा होता है पाकिस्तान की और इलाकों की निस्बत। देख सकते हो यहाँ पर, तो चलो लाइव आप लोगों को दिखाता चलूँ। तो आज के व्लॉग का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं ट्रीज़ पे वीडियोस बनाऊं और वो व्लॉग आप लोगों को दिखाऊं, ये तो बस इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल शजरकारी मुहिम चल पड़ा है पाकिस्तान में, और इस टाइम पे लोग शजरकारी कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रहा था कि मैं भी अपनी राय का इजहार कर सकूँ आप लोगों को, शायद कोई इंस्पायर हो जाए मेरे वीडियो से और वो भी दरख्त लगाए तो बेनिफिट होगी हमारे मुल्क को, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को इंस्पायर करना, कि आप लोगों को मेरे वीडियो से इंस्पिरेशन मिले, ना कि आप लोग डिसअपॉइंटेड हो। तो इस वजह से ये वाली वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा बाग है आड़ू का, तो आप लोग देख सकते हो आड़ू भी लगे हुए हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि ये पल दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को बेनिफिट हो रही है, फ़ायदा पहुंच रहा है, और दूसरी ये कि इस वजह से मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, एक तो ग्रीनरी है यहाँ पर, दूसरा मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, वो भी जुलाई के महीने में, और तीसरा बेनिफिट ये है कि आप लोग देख सकते हो ये फ्रूट भी दे रहे हैं ये ट्रीज़, तो ये बेनिफिट हमारी भी है, हमारे अवाम की भी बेनिफिट है, और ये हमारे मुल्क की भी बेनिफिट है। तो यार प्लीज़ आप लोग समझा करो और सोचो, मेरे बात को समझो कि हम लोग ऐसी पर खर्च करने से बेहतर है कि हम लोग ट्रीज़ पर खर्च करें, उससे ओवरऑल सारे पाकिस्तान में मौसम अच्छा होगा और मौसम इतना गर्म नहीं होगा जितना कि आजकल है पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, जैसा कि कराची और लाहौर में। लोग देख सकते हो कि कितनी बेनिफिट है एक ट्री की, एक दरख्त की, एक प्लांट की, जो कि पल भी दे रही है, और उस वजह से क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा होता है हमारे यहाँ स्वात में। यहाँ पर देख सकते हो मैं काफ़ी देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ और धूप भी है, लेकिन आप लोगों को मेरे चेहरे या मेरे कपड़ों पे पसीना वगैरह नज़र नहीं आया होगा, गर्मी नहीं है इस वजह से पसीना नहीं आ रहा मुझे, तो मौसम इस वजह से अच्छा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मकदार में
ट्रीज है। कि मेरे आज के व्लॉग का यही टॉपिक नहीं है कि मैं आप लोगों को ट्रीज़ दिखाऊं और ट्रीज़ की बेनिफिट्स आप लोगों को दिखाऊं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये तो बस इसलिए आप लोगों को दिखाना चाहा कि आजकल प्लांटेशन का टाइम है, शजरकारी है, शजरकारी मुहिम चल रही है पाकिस्तान में, तो सोचा कि मैं भी आप लोगों को बताऊँ। शायद कोई एक बंदा 100 में से इंस्पायर हो कि वो भी इस टाइम पे प्लांटेशन करें। बाकी मेरे आज के व्लॉग का टॉपिक ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, काफ़ी ज़्यादा खफा हुआ हूँ कल, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैंने 2-3 दिन में व्लॉग शूट कर लिया, फिर एडिट कर लिया, और सडनली वो व्लॉग आई डोंट नो कि कैसे मेरे लैपटॉप से गायब हो गया। तो घर में कर लेता हूँ, अपनी छोटी सी दुख भरी स्टोरी है वो आप लोगों को घर जाके बताता हूँ, ठीक है जी। दोस्तों तो मैं आ गया हूँ अपने घर और अब आप लोगों को बताता हूँ अपनी स्टोरी। तो वो बास्केट है मेरे रूम की, तो हटा नहीं सकता, तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर करो। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि एक व्लॉग को शूट करने में कितनी मेहनत लगती है। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्लॉग को शूट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। 5 से 10 मिनट की व्लॉग को शूट करने में तो 2 दिन और कभी कभी तो 3 दिन लग जाते हैं, और ख़ासकर ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जो न्यू हो मेरी तरह, तो उसके लिए शूट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और उससे ऊपर काफ़ी मुश्किल और सबसे ज़्यादा मेहनत वाली काम एडिटिंग, जो कि 5 से 10 मिनट की व्लॉग को एडिट करने में 3 से 3 3 और 4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद बंदे को लगता है कि चलो अब कोई अच्छा व्लॉग क्रिएट कर पाया हूँ, और बंदा लग जाता है अपलोडिंग पर, और एंड टाइम पे आप लोगों को पता चल जाता है कि मेरी 3 या 4 दिन की मेहनत गई तेल लेने, ज़ाया हो गई, क्योंकि आपने जो कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, 2 3 दिन शूट किया हुआ है, और एंड टाइम पे आप लोगों को पता चल जाता है कि आपका कंटेंट तो आपके पास है ही नहीं, और ऊपर से आपकी जो कंटेंट है उसकी बैकअप भी आप लोगों के पास नहीं है। तो आप लोग बताओ आप लोगों पे क्या बीतेगी। इसी तरह सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है, क्योंकि मैंने 2 दिन शूट पे लगाए और बहुत मेहनत से मैंने एक व्लॉग शूट किया, जो कि बारबेक्यू पार्टी थी हमारी, उसको मैंने शूट किया और काफ़ी मेहनत से मैंने उसे एडिट भी कर लिया। लेकिन जिस टाइम पे मैं उसे ट्रांसफ़र किया अपने लैपटॉप पर और अपलोड करने लगा, तो एंड टाइम पे वो मेरे लैपटॉप से गायब और मेरे फ़ोन से भी गायब, मतलब मेरे पास उसकी बैकअप फाइल भी नहीं थी। तो आप लोग बताओ मुझ पे क्या बीती होगी। मैं काफ़ी शॉक हो गया था जब एंड टाइम पे मुझे पता चला कि मेरा कंटेंट मेरे लैपटॉप में नहीं है। पता नहीं कैसे डिलीट हुआ, क्यों हुआ, मुझे ये पता नहीं, लेकिन वो व्लॉग जो कि मैंने बहुत मेहनत से शूट किया था और बहुत मेहनत लगी थी उसकी एडिटिंग पर, मुझे शायद आप लोगों को उसकी वो थंबनेल मैं दिखा सकूँ इस वीडियो में, लेकिन वो मेरे लैपटॉप में नहीं था। तो मैं काफ़ी शॉक हो गया था और बस 10 to 12 मिनट में ऐसे ही बैठा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस व्लॉग पे मैंने, इस वजह से मैं शॉक हो गया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमेशा वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। शायद उसकी अपलोड ना होने में और उसकी डिलीट होने में मेरी भलाई थी, इस वजह से मेरे साथ ये सारी स्टोरी हुई और ये सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुई। इसी तरह मेरा सबसे इंटरेस्टिंग व्लॉग ज़ाया हो गया, मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो दिल में तो काफ़ी खफगान था, काफ़ी मैं खफा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं बताया ना आप लोगों को कि हमेशा वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है, और इंसान के लिए हमेशा अल्लाह पाक वही काम करता है जिसमें इंसान की खैर हो। इंसान तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खफा होता है, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा वही करता है जिसमें इंसान की खैर हो, इंसान की खुशी हो। बात आप लोगों को यही करनी थी कि जैसा कि आप लोगों ने इस व्लॉग के स्टार्ट में देखा कि मैंने आप लोगों को ट्रीज़ के बारे में बताया, तो वो सिर्फ इसलिए आप लोगों को बताया कि इस टाइम पे शजरकारी मुहिम चल रही है, शजरकारी का टाइम है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो प्लीज़ आप लोग शजरकारी में हिस्सा लो और ज़रूर आप लोग प्लांटेशन करो, चाहे अपने घर पर करो, चाहे बाहर करो, चाहे रोड के साइड पर करो, लेकिन ज़रूर करो, उसकी बेनिफिट हमें मिलेगी और हमारे मुल्क को मिलेगी।
जी दोस्तों, तो रात का 1 बज चुका है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, कुछ भी नहीं दिख रहा। और अभी तक मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और उसके बाद मैं व्लॉग को एडिट करूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सुबह के 9 बजे तक ये व्लॉग आ जाए। तो यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। अपने भाई फहद खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।